नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनोवेटिव फैक्ट्स में। पैसा कमाने के लिए काम करना ज़रूरी है। लोग सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को घर लौट आते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ काम ऐसे भी हैं जिनमें लोग काम पर जाते तो हैं लेकिन उनके वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं होती। जी हाँ, ये सच है। सोचिए, अगर आपको ऐसी किसी जॉब का ऑफर किया जाए तो आप क्या करेंगे? यकीनन बेरोज़गार रहना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही जॉब्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो बेहद खतरनाक हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रिक पावर लाइन इंस्टॉलर। लाइट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। रोजमर्रा के 50% से भी ज्यादा कामों को करने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। ये जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक शॉक आपकी जान ले सकता है या आपको उम्र भर के लिए अपंग बना सकता है। इसलिए खुले तारों से दूर रहने की अक्सर सलाह दी जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिजली के इन्हीं तारों के साथ काम करना होता है। बड़ी बड़ी लाइंस जिनमें कई हजार वोल्ट का करंट दौड़ता है, उन्हें ठीक करने के लिए ये लोग उन पर चढ़कर काम करते हैं। ऊंचाई के साथ साथ तारों में बहने वाला करंट इस काम को एक सामान्य काम की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। नंबर 4, स्नैक फार्मिंग। आपने तमाम तरह की खेती के बारे में सुना होगा। लोग खेती करके फल, सब्जियां, अनाज उगाते हैं, लेकिन जिस खेती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सांपों की खेती, चौंक गए ना? इंडोनेशिया और चाइना में कुछ लोग इस तरह की खेती करते हैं और जिन सांपों को इसमें पाला जाता है उनमें से कुछ तो हद दर्जे तक जहरीले होते हैं। ये लोग इन सांपों को थैले में रखकर एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल वैसे ले जाते हैं जैसे सब्जी का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ये लोग इन सांपों के जहर और खाल का व्यापार करते हैं जिसके लिए इन्हें पाला जाता है। नंबर 3, टावर क्लाइंबिंग। ऊंचाई से सभी को डर लगता है, लेकिन आप में से बहुत से लोग हो सकता है ना डरते हो, लेकिन जब ये ऊंचाई 1500 फीट यानी कि लगभग 150 मंजिला ऊंची हो तो डरना लाजमी है। टावर क्लाइंबिंग इस जॉब में ऊंचे ऊंचे टावर्स पर चढ़कर उनमें आई खराबी को ठीक करना होता है। मान लीजिए मैदान में खड़े 1500 फीट के टावर में शीर्ष पर लगे बल्ब 6 महीने में बदले जाते हैं, जिसके लिए भारी बैग लेकर ऊपर चढ़ना होता है। हर मिनट जान दांव पर होती है। हालांकि ये काम बेहद प्रोफेशनल से ही करवाया जाता है, जिसके लिए उन्हें लगभग $20,000 यानी कि 12 से 14 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। नंबर 2, ब्रिज पेंटिंग। दोस्तों, आपने सफर के दौरान कई बार ऊंचे और लंबे ब्रिज देखे होंगे जो देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनके सुंदर दिखने में किसका योगदान है? अगर नहीं सोचा तो आइए हम आपको बताते हैं। न्यूयॉर्क का वॉशिंगटन ब्रिज अपनी ऊंचाई और लंबाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यही कारण है कि इसकी साज सज्जा पर बहुत खर्च होता है, जिसमें हजारों लोग लगाए जाते हैं। 600 मीटर ऊंचे और 1.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज को सजाने में तकरीबन 10 महीने तक लग जाते हैं। रस्सी के सहारे लटक कर इतनी ऊंचाई पर ब्रिज के हर एक हिस्से को पेंट करना वाकई बहुत खतरनाक है। नंबर 1, स्काई स्क्रैपर विंडो क्लीनर। दोस्तों, आपने कई बहुमंजिला इमारतें देखी होंगी जिनमें ऊपर से नीचे तक शीशे लगे होते हैं। एक समय बाद जब ये धूल से गंदे हो जाते हैं तो इन्हें साफ करवाने की बारी आती है, तो इसे भी कुछ इंसान ही साफ करते हैं। सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर एक रस्सी के सहारे लटक कर इन खिड़कियों को साफ करना वाकई खतरनाक काम है, जिसमें हवा और मौसम कई बार मुश्किलें पैदा कर देता है। ये भी दुनिया के कठिन जॉब्स में से एक है जिसमें पैसा तो मिलता है लेकिन हर सेकंड जान जाने का खतरा भी सिर पर मंडराता रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया में जीने और पैसा कमाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। उम्मीद है आपकी जॉब इससे बेहतर होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल इनोवेटिव फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thank you.